आईसीएआर का आज 96वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस है और ऐसे में देखिए एक एग्जीबिशन का आयोजन भी किया गया है जहां पर डिस्प्ले पर आपको फलों की अनाजों की अनगिनत वैरायटी मिल जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब खाने की बात आती है, फलों की बात आती है, तो उसमें देखिए बहुत सारे फल होते हैं जो कि आपको पहाड़ी क्षेत्रों के भी फल आपको मिल जाएंगे, जिसकी 1, 2, 3, 4, 5, 50 इससे ज़्यादा वैरायटी के बारे में शायद आपने कभी ना सोचा हो, लेकिन वो वैरायटी आपको ICAR के 96 स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर मिल जाएगी। इसको कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल पर देखिए यहाँ फलों की जो वैरायटी है वो लगाई गई है, और जैसा कि देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको कई पहाड़ी फल भी मिल जाएंगे, और इन पहाड़ी फलों में बहुत सारी वैरायटी है। कौन कौन सी वैरायटी है वो भी जान लेते हैं। डॉक्टर MK वर्मा हैं जो कि डायरेक्टर है CITH के, उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि देखिए पूरे पहाड़ी फल हैं जो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कितनी वैरायटी लगाई गई है? हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी नाशपातियाँ भी हैं और सेब है, अलग अलग तरह के फल हैं। कौन कौन से फल हैं, कितनी वैरायटी है? जैसा कि हम बात करते हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ICAR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जिसका कि श्रीनगर में हेडक्वार्टर है, और वहाँ हम लोग जो पहाड़ी जो फल हैं, जैसे कि बता रहे थे कि क्योंकि पहाड़ी फल जो ठंडे इलाकों में ही होते हैं, तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शनी के लिए केवल 50 डिफरेंट तरह की वैरायटीज यहाँ पे रखी हुई हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से आपका सेब है, आपका नाशपाती है, खुमानी है, आड़ू है, बादाम है, अखरोट है और पिस्टेशियो नट है, ये कुछ वैरायटीज रखी हैं। खासियत क्या है? हाँ, इनकी खासियत ये है कि एक तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि इनको केवल ठंडे इलाकों में ही लगा सकते हैं, जहाँ भी बर्फ का जो इनकी टेम्परेचर जैसे रहता है जो 7 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, क्योंकि उन्हीं इलाकों में केवल वहाँ फूल निकलता है और फूल निकलने के बाद ही फल बनता है। लेकिन अभी जो साइंस ने थोड़ी प्रगति की है उसमें जहाँ कम ठंड होती है वहाँ भी हम इन ऐसे तरह के फलों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी दिल्ली में रह रहे हैं या जो यूपी में रह रहे हैं, जो पंजाब या कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ इन फलों को लगा सकते हैं? हाँ, उसमें से कुछ बड़े सेलेक्टिव फ्रूट हैं, जैसे कि आपके नाशपाती, मैं बताना चाहूँगा नाशपाती की कुछ वैरायटीज हैं, ये वैरायटी जैसे कि पंजाब ब्यूटी है, ये है निजी सेकी है, ये कुछ वैरायटीज हैं जिसमें कुछ प्लम है और आड़ू है। इन तीन आप जो फल हैं उनको आसानी से आप चाहे पंजाब हो, दिल्ली NCR का आपका रीजन हो, हरियाणा हो, राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट हो, और जम्मू का जो इलाका हो, हिमाचल प्रदेश का हिल्स वाला हो, हरिद्वार का इलाका हो, ये जो सारा जो क्षेत्र है जहाँ कम ठंडा होता है उनमें इन वैरायटीज को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और किसानों को बड़ा अच्छा उसका फायदा मिल सकता है।